हेलो फ्रेंड्स, जो लोग पैसों का जमा निकासी का काम करते हैं ये वीडियो आज उनके लिए है, क्योंकि हमारी जो भारत सरकार है वो एपीएफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आई है। क्या वो बदलाव है इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कि इसको किस तरीके से, ये जो एपीएफ है उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग कर दिया गया है। अक्सर आप देखते होंगे कि पैसे निकल जाते हैं पर पता नहीं कहाँ जाते हैं। आपका पेमेंट आप बिना फिंगर रखते भी नहीं है, आपका पेमेंट तब भी निकल जाता है। तो उसी को देखते हुए एक बदलाव किया गया हुआ है। वो कौन सा बदलाव है, किसकी वजह से, किस तरीके से, ये क्या बदलाव है, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूले, क्योंकि हमेशा मैं आपको जेन्युइन प्रोसेस ही बताता हूं दोस्तों। तो आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एपीएफ है, आधार से जो पैसे निकालते हैं बायोमेट्रिक के थ्रू, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अक्सर आप देखते होंगे जो भी हमारे वीएलई भाई हैं या जो प्राइवेट पोर्टल से पैसे निकालते हैं, स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट बैंक, दुनियादारी, ये बहुत सारे एपीएफ से पोर्टल रन कर रहे हैं। उनमें क्या होता है, इससे पहले अक्सर आपने देखा होगा कि केवाईसी नहीं होता था। आरडी आप किसी भी टाइम आरडी आप ले सकते थे, कोई भी केवाईसी नहीं होता था। तो जब उनको पता चला कि इस तरीके से फ्रॉड होता है तो केवाईसी, जो भी पेमेंट निकालने वाला व्यक्ति है उसका केवाईसी स्टार्ट हो गया। पर उसके बावजूद भी जो फ्रॉड है ना, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मतलब जब भी आप देखते होंगे, पता नहीं आपका कब पैसा निकल जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अक्सर ये न्यूज आती रहती है कि फलाने स्पाइस मनी पे इतने रुपए निकाल दिए, वो कोई बीसी पॉइंट था और पीएफपी पॉइंट था, वो 2 लाख का गमन कर गया, 3 लाख का गमन कर गया। धीरे धीरे अपने पैसे निकालते गए, मगर क्या होता, कुछ नहीं होता। अभी एफबीआई में क्या हो रहा था कि जो भी एपीएफ थे, उन्होंने जब अभी आप अकाउंट खुलवाते थे तो सारी फिंगर रखी जाती हैं, उनमें फिर रखते टाइम एक फिंगर अपनी रख लेते थे। तो जब मन आता था तब आपका रात दिन, कभी 12 बजे पेमेंट निकल रहा है, कभी दिन के 12, कभी रात के 12, तो पता नहीं चलता था पेमेंट आपका निकला कब। तो इसी को देखते हुए एक बिहार में एक ग्रुप था, उसने बहुत सारे पेमेंट निकाले थे। तो वो वीडियो मैं अगले सेशन में कवर कर लूंगा किस तरीके से जो है पेमेंट वो निकला था, क्या कारण थे, किस तरीके से ये चीजें हो रही थी। तो उसमें जो पेमेंट निकल रहा था डिजिटल फिंगर पेप करके, वो क्या चीजें थी, तो वो चीजें मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो भारत सरकार के पास बहुत ज्यादा मात्रा में मेल पहुंची और साइबर फ्रॉड इतने ज्यादा मात्रा में हो रहा था कि पता नहीं चलता था लोगों का पैसा निकल रहा था। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने और एपीएफ ने मिलकर के एक नया नियम निकाला है। वो क्या है वो नियम, उसको जरूर जान लें। देखिए, जो नया नियम यह है कि अब जब भी आपको एपीएफ के द्वारा, मतलब बायोमेट्रिक के द्वारा 10,000 पैसे निकलता है, जब भी आप इन बीच में कोई भी अमाउंट निकालेंगे तो साथ में अब आपको एक मोबाइल भी लेके जाना पड़ेगा। कहने का सीधे तौर पर यह मतलब है कि 2-स्टेप वेरिफिकेशन, जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि बहुत सारी एप्लीकेशन 2-स्टेप वेरिफिकेशन लगाती हैं, वैसे ही एपीएफ में भी 2-स्टेप वेरिफिकेशन आ चुका है। तो अब होगा क्या, बस होगा ये कि आप जब भी आप फिंगर लगाएंगे तो आपके पास एक ओटीपी भी जाएगा, ओटीपी जाएगा तभी आपका पेमेंट निकलेगा। तो इससे एक सहूलियत तो ये मिली कि अब कोई भी हैकर अगर आपका फिंगर सेव कर रखा है, आपका फिंगर रबड़ का या किसी भी डिजिटल फॉर्म में आपका फिंगर बना के रखा है, तो वो पेमेंट नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि फिंगर तो अपने सेव कर लिया मगर मोबाइल नंबर तो अपने पास है, अपने पास तो कैसे पेमेंट निकलेगा। पर एक चीज जरूर है कि जो हैकर होते हैं बहुत ही होशियार होते हैं, हो सकता है कि इसका भी तोड़ ढूंढ ले। जब फिंगर का तोड़ मिल सकता है तो ये भी मिल सकता है, बट इतना आसान नहीं है दोस्तों। मगर काफी हद तक गरीब लोग बच जाएंगे इन पैसों का से, उनका जो फ्रॉड हो रहे थे वो चीजें बच जाएंगी, पीएफपी वाले भी सेव हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से तो ये होना ही चाहिए था और ये एक बहुत अहम कदम है। आपको अगर लगता है कि ये बहुत ही अहम कदम है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ, इसको होना बहुत जरूरी था और ये जो हुआ वो सही हुआ। तो यहां तक आने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।